शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नरसिम्हा रेड्डी के बहुत से दुश्मन थे, उन सबको छोड़कर सिर्फ मुझ पर ये बेबुनियाद और सरासर झूठा इल्जाम लगाना गलत बात है। और वो टीवी बॉम्ब, क्या टीवी, कौन सा बॉम्ब? मेरा इस केस से कुछ लेना देना नहीं है। कुछ नहीं तो आप पे हमला करने का क्यों सोचेंगे? मैं किसी को कुछ सोचने से नहीं रोक सकता। तो अब आप क्या करेंगे? निपट लूंगा। बच गया प्रताप। मैं हार गए। फिक्र मत करो सूर्या, फिर कभी नहीं भवानी, उसे मारने का मौका बार बार नहीं मिलेगा। सूर्या, मौके जाते हैं तो आते भी हैं। लव यू। आर्या कैसा है? डीसीपी मोहन प्रसाद आए हैं। थैंक यू। नमस्ते। हाय। बोल। टीवी के बारे में बात करने आया था। क्या टीवी? वही बॉम्ब। क्या बॉम्ब? मैं भूल गया था, आप टीवी देखने के लिए नहीं बम रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं उसी बम के बारे में बात कर रहा हूं जिसको आपने सूर्या के घर वालों को मारने के लिए टीवी में फिट करवाया था। घर जाके टीवी देख ले, जवाब दे चुका हूं। मैं रिपोर्टर नहीं हूं प्रताप साहब, पुलिस वाला हूं। तो पुलिस वाले की तरह अपना काम कर। पुलिस वाले मुझे खुद पसंद नहीं आते, मेरा खुद का स्टाइल है, वो शायद आपको पसंद। काम की बात कर। काम की बात यह है प्रताप साहब कि आप दोनों का बॉम्ब किसी के काम नहीं आया। बॉम्ब मुझ पे फटा लेकिन दिमाग तेरा सटक गया है। क्या करें, शायद एनीवे थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन। चलता हूं। और हाँ, ख्याल रखिएगा। मैं तो कहता हूं सीधा अस्पताल में घुस के खत्म कर देते हैं साले को। रवि दरिंदा है, बेवकूफ नहीं, वो भी यही सोच के हमारे आने की राह देखेगा। मैं मरने से नहीं, उसे मारे बिना मरने से डरता हूं। गलती हो गई, अब दोबारा नहीं। अब रवि को मारना है तो सोच से और सब्र से। सूर्य अंडरग्राउंड हो गया है। एक एक करके उसके हर सपोर्टर को खत्म कर दो। पैसा, हथियार, इंफॉर्मेशन, जो दे रहा है और जो देने की सोचे भी उड़ा दो। उसके हाथ पैर उसके सपोर्टर हैं, सर झुक गया तो हाथ पैर काट डालो। सर अपने आप गिर जाएगा, सबसे पहले बुरु रेड्डी। बुरु रेड्डी? हाँ,
डर गया सोच के हमने उसे छोड़ दिया, लेकिन डर को बदला में बदल जाने के लिए वक्त नहीं लगता। सूर्या का प्लान जानते हुए भी उसने हमें कुछ नहीं बताया। उड़ा दो उसे। चरित्र के दूसरे अध्याय के पन्ने रक्त की स्याही से लिखे जाने लगे। सूर्या निशाना चूक गया था और उसका तरकश फिलहाल खाली था। रवि के कत्लेआम से सूर्या को पनाह देने वाले खत्म होते जा रहे थे। सूर्या उसने राम रेड्डी, हनीश और रमेश रेड्डी को भी मार दिया। मेरी जगह उन्हें मार रहा है। क्या है वो प्रताप? सूर्या, क्या लगता है पुलिस आ रही है? अरे भागो वहां से, पीछे के दरवाजे से निकल जाओ। भवानी मेरे पास है। अगर तू सरेंडर नहीं किया तो भवानी के साथ मैं क्या क्या करूंगा? कि सूर्या के रास्ते खत्म हो गए, उसने अपने लोगों को मदद का शुक्रिया अदा कर ने अंडरग्राउंड होने को कहा। उसे इस वक्त बदला नहीं, वक्त चाहिए था, क्योंकि उसे पता था कि प्रताप को मारने का दूसरा मौका इतनी जल्दी नहीं मिलने वाला। उसने सोचा अगर वो खुद को पुलिस के हवाले कर जेल जाए तो उसे दूसरे मौके की जगह और वक्त दोनों ही मिल सकते हैं।